हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सलीम सर बंतारा। मैं आपको आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पिछला हम 3 वीडियो बनाया है और मैंने आपको कहा था कि मेरा वीडियो गौर से देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इससे पीछे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसे निकाला जाता है। जैसे उसका जो ऑर्बिट का नाम था KLMA, तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कोई एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर आपका 11 था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पीछे वीडियो में बता दिया था, फर्स्ट में 2 रहेगा, सेकंड में 8, लास्ट में क्या है 1। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एक डॉट है, एक डॉट दे दिया। याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का एक तरफ 2 डॉट से ज्यादा नहीं होगा, 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इसके पास नहीं है, इसके पास जितना यहां रहेगा वो हमको बैठाना है। कभी जो है यहां पर 7 रहेगा तो 2, 2, 4, 2, 6 या 7 देना है। जितना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आपको देना है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो तो सारा इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, लॉस करता है। तो जितना देता है उतना ही जो है वैलेंसी कहलाएगा। तो देने वाले के ऊपर में जो है पॉजिटिव का चार्ज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव हो गया। 2 वाला कभी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका 2, 8 और 2 हुआ। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का 2 है, एक तरफ हम 2 दे दिया, जो कि 4 से कम है। 4 से कम वाला लॉस करता है यानी दे देता है। तो 2 को प्लस है तो प्लस यहां 2 लिखेंगे, प्लस 2 लिख दिया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी आपका कितना हो गया? 2 हो गया। तीसरा एलिमेंट आपको दे रहे हैं 3 का, एल्युमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2, 8 आपका 3 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 3 हुआ। तो एल्युमिनियम का एक तरफ 2 देंगे, एक तरफ यहां 1 देंगे, 3 हो गया, जो कि 4 से कम है। तो 4 से कम वाला क्या करता है? लॉस कर देता है। तो ये आपका इसका वैलेंसी आपका हो गया कितना? हो गया 3 हो गया। तो हमने अब तक जो है 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला बताया था। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं कि 4 से ज्यादा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो 4 से ज्यादा वाला का हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। जैसे आपका फास्फोरस का है, फास्फोरस का आपका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं तो 2, 8 और 5 हो गया, जो कि लास्ट में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा 5 है, तो 5 यहां आप बैठाइए। तो 4 से ज्यादा जब रहेगा तो 8 पूरा करने के लिए दूसरे से लेता है। तो 8 पूरा करने के लिए इसको 3 को चाहिए, तो 3 को चाहिए तो ये लेने वाला है, लेने वाले के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है। तो जितना लेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, इसका वैलेंसी आपका 3 हो गया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं क्लोरीन का।
क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आपका हो जाएगा 2, 8 और 7 हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 7 हो गया, तो क्लोरीन का ये 2 हो गया, 2, 4 हो गया, 2, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये 4 से ज्यादा वाला है, तो 4 से ज्यादा वाला है तो 8 पूरा करने के लिए ए बोलेगा यानी कि ए वो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका वैलेंसी आपका कितना हो गया, 1 है, ठीक है। तो हमने आज सीखा कि किसी भी एलिमेंट का हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो कमेंट में आप सवाल जरूर कीजिएगा, हम उसका आपको जवाब देंगे, और पसंद है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखेंगे। और होमवर्क में आपको हम देने जा रहा हूं, होमवर्क ये है, दो एलिमेंट में आपको दे रहा हूं, पहला एलिमेंट आपका है सल्फर का जिसका एटॉमिक नंबर आपका 16 है, दूसरा एलिमेंट आपके पास है ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इन दोनों का हमको वैलेंसी निकाल के लाएंगे, हमारे कमेंट में डाल देंगे। और अभी तक का आपने जो मेरा वीडियो देखा, अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, और जो यूजर अब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।